नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में चार बच्चों समेत सात और मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 48 घंटे में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 48 घंटों में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा अब 31 पहुँच गया है। इनमें 16 बच्चे शामिल है। अस्पताल में बड़ी संख्या में हो रही मौतों से हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर इन मौतों की वजह क्या है, अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि इन मौतों के लिए लोग लचर सरकारी तंत्र को जिम्मेदार मान रहे हैं। यह मामला नांदेड़ के शंकर राव चव्हाण सरकारी अस्पताल का है। अस्पताल में हो रही मौतों पर शंकर राव चव्हाण सरकारी अस्पताल के डीन का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर मौतें सांप के काटने की वजह से और बाकी की बीमारियों की वजह से हुई है। आलम यह है कि मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अस्पताल के डीन ने कहा था कि 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ यही अस्पताल है। दूर दूर से यहाँ लोग इलाज करवाने आते हैं। कुछ दिनों से मरीज ज्यादा संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। हमने स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीद कर मरीजों को उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा था कि हम तृतीय स्तर के हेल्थ सेंटर है। वही महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने इन मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि ये मौतें पर अस्पताल से जानकारी मांगी जाएगी और एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं विपक्ष इस घटना को लेकर एकनाथ सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि इस घटना की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार को ही लेनी चाहिए।